देखिए वैक्सीनेशन की पूरी तैयारी है और राज्य को जो टीके की ज़रूरत है तो 1 करोड़ टीका के लिए सीरम इंस्टीट्यूट को भी जानकारी दे दी गई और स्वास्थ्य विभाग से जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार सीरम इंस्टीट्यूट से मई महीने में लगभग 11,89,000 डोज हमको वैक्सीन के मिलने वाले हैं और जो कोविशील्ड का होगा और जो कोवैक्सीन का है वह भी लगभग 4,14,000 के करीब डोजेज हमको मिलने वाले हैं। मतलब दोनों को जोड़ के 16,00,000 के करीब डोज बिहार को मई के महीने में मिलेगा। यहाँ पूरी तैयारी है। जिन लोगों ने कोविन पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है उनको मोबाइल पर सूचना जाएगी कि उनका टीकाकरण का केंद्र कहाँ होगा, किस तिथि को होगा, वो जाएंगे टीका लेंगे। और यह जो राज्य को टीका उपलब्ध जब से होगा उसी के आधार पे कोविन से सूचना भी उनको जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि शीघ्र वो उपलब्ध होगा और जैसे ही उपलब्ध हो जाएगा उसके तुरंत बाद से टीकाकरण का काम शुरू कर देंगे। रेमडेसिविर बिहार सरकार को मिला है उसको बांटने का क्या पैमाना रखा गया है या फिर कैसे उसको? देखिए अभी तक भारत की सरकार की तरफ से जो रेमडेसिविर का कोटा बिहार के लिए अलॉट हुआ है तो 44,500 वायल अलॉट हुए हैं जिसमें से 27,000 वायल बिहार पहुंच चुका है। उसमें से लगभग 20,000 वायल विभिन्न जिलों को सिविल सर्जन को और मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स को भेजा जा चुका है। उसमें जिस अस्पताल को ज़रूरत है प्राइवेट हॉस्पिटल्स को वो हमारे गूगल पे अपना इंडेंट डालेंगे, पेशेंट का नाम डालेंगे और उसके आधार पर फिर उस अस्पताल को ये आवंटन होता है और आवंटन जिस मरीज के लिए होता है फिर उसको टीका उपलब्ध होता है। कोविड पेशेंट के लिए लगातार प्रयासरत है बिहार सरकार, अभी तक कितने बेड का उपलब्ध करा पाए हैं और कितने बढ़ाने की योजना बिहार सरकार की है और कब तक? नहीं देखिए बेड्स लगातार हम सब लोग बढ़ा रहे हैं और अभी जब कोविड शुरू हुआ तो सबसे पहले हम लोगों ने पटना के NMCH, भागलपुर के JLNMCH और गया के ANMCH को डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाने का निर्णय किया। उसके बाद पटना के IGIMS को डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाने का निर्णय किया। फिर कल जो हमारा मधेपुरा का मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, पावापुरी का मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है और बेतिया का मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, इनको भी पूर्ण रूप से कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाने का निर्णय किया। मतलब राज्य के 7 सरकारी मेडिकल कॉलेज पूर्ण रूप से डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल हो जाएंगे। साथ ही जो 3 मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है PMCH, SKMCH और DMCH, इन अस्पतालों में भी 75% बेड कोविड मरीजों के लिए होंगे। इसके अतिरिक्त आज ही पटना के राजेंद्र नगर में 85 बेड का ऑक्सीजन युक्त हॉस्पिटल शुरू हो गया है। 30 बेड वहां और हैं जिस पर CCC की सुविधा होगी, मतलब जो सामान्य कोरोना मरीजों को सुविधा दी जाती है, तो 115 बेड का वहां शुरू हो गया है। जो हमारा बिहटा के अंदर ESIC का हॉस्पिटल है वहां पे 50 बेड अभी काम कर रहा है और कल से 150 बेड और वहाँ एडिशनल काम करने लगेगा। उसके लिए जो डॉक्टर्स चाहिए वो हमारे DRDO सेना के माध्यम से उपलब्ध हुए हैं। अन्य जो मानवबल और चाहिए थे वहाँ सहयोग के लिए वो सभी सुविधाएं राज्य सरकार के द्वारा दे दी गई हैं। पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आज मैं स्वयं गया था, सोमवार से वहाँ भी ये 100 बेड का अस्थायी अस्पताल शुरू होगा। इसके अतिरिक्त जो जयप्रभा मेदांता है, जयप्रभा मेदांता में भी आज मैंने स्वयं जाके वहाँ की चीज़ों को, तैयारियों को देखा है। वहाँ मुझे लगता है कि 7-8 दिन का समय और लगेगा तो वहाँ भी इसकी सुविधा शुरू की जाएगी। तो हम सब लोग लगातार पटना के अंदर भी बेडों की संख्या बढ़ा रहे हैं और विभिन्न जो हमारे मेडिकल कॉलेज अस्पताल हैं वहाँ भी बेड्स के नंबर को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। ऑक्सीजन की स्थिति हालांकि बहुत बेहतर हुई है लेकिन अभी ऐसी भी स्थिति नहीं आ पाई है कि हर लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध हो पा रहा है। कभी कभी NMCH की ही बात कर ले, वहाँ कल आधे घंटे के लिए
ऑक्सीजन को रोकना नहीं, ऑक्सीजन कभी रुक ही नहीं सकता है। और मीडिया में ये समाचार जरूर समय समय पर पिछले कई दिनों से मैं देखता हूँ कि चलता है, लेकिन ऑक्सीजन की उपलब्धता लगातार बनी हुई है, निरंतर बनी हुई है, और हर अस्पताल को आवश्यकता अनुसार ऑक्सीजन उपलब्ध कराया जा रहा है। उपलब्धता और बढ़े इसके लिए हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। IOCL से 3 टैंकर लिए गए हैं जिसके माध्यम से ढुलाई का काम और बढ़ाया जा रहा है। 8 नए प्लांट शुरू किए गए हैं जहाँ पे सिलेंडर भरे जाते हैं, रिफिल किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त 6 कॉम्फिट के हम लोगों ने लॉरी लिए हैं। इसके साथ ही कल निर्णय किया बिहार सरकार की कैबिनेट ने माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कि सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल जो सरकारी हैं वहाँ पे हम क्रायोजेनिक टैंक लगाएंगे लिक्विड ऑक्सीजन के लिए, और PMCH और NMCH के अंदर 1 महीने के अंदर वो चालू हो जाएगा। से सभी मेडिकल कॉलेज में 3 महीने के अंदर चालू हो जाएंगे। तो हर तरीके से प्रयास हो रहा है कि हम ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ाएं, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाएं और ऑक्सीजन के रिफिलिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाएं। कहा जा रहा है हर जगह कि अगले एक आध महीने में तीसरा स्ट्रेन शुरू हो सकता है, ये है और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और लेकिन बिहार में पॉजिटिव कितने मामले हैं, रिकवरी दर क्या है और मृत्यु दर क्या है, ये नहीं, पिछले कुछ दिनों में जो लगातार अंतर वृद्धि हुई है पॉजिटिव केसेस में, उसके कारण हमारी पॉजिटिविटी जो रिकवरी रेट थी उस रिकवरी रेट में निश्चित रूप से कमी आया है। जहां हम एक बार 99.28% तक पहुंच गए थे रिकवरी के मामले में, वहीं अब हम रिकवरी के मामले में 77.05% पे आ गए। इसलिए आ गए हैं कि उस वक्त हमारे पास एक्टिव केसेस 300 से कम थे, आज एक्टिव केस 1,05,000 से अधिक हो गया है।